हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मैस लॉज नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये क्या हायरार्की थ्योरी है ये हमें देखना है कि मोटिवेशन थ्योरी बोला जाता है इसको। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या है, ये डील करता है एक इंसान कौन कौन सी नीड से गुजरता है अपने ज़िंदगी में, वो बताता है नीड हायरार्की थ्योरी की एक इंसान को कहाँ कहाँ गुजरना पड़ता है, एक शुरू से लेके एंड तक वो अपनी कौन कौन सी नीड पहले पूरी करना चाहता है और कौन सी उसकी बाद में नीड्स होती हैं जो वो पूरी करना चाहता है। तो मैस्लो ने 1960 में ये थ्योरी डेवलप करी थी। इसमें देखिए सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड्स, सबसे पहले साइकोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन सोशल नीड्स, फिर एस्टीम एंड ईगो नीड्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान तो चाहेगा ना इंसान, फिर सेफ्टी नीड्स। यहाँ पर सब आ गए, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आपके घर में छत है आपके ऊपर। अब आप खुद की ज़िंदगी की सुरक्षा चाहोगे तो आप सेफ्टी नीड्स कराओगे, आपने LIC वगैरह करवा ली और आपने अपने कुछ ऐसा लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, तो साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद आप सेफ्टी नीड्स करवाओगे। फिर आपको सोशल नीड्स चाहिए कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए सोसाइटी के अंदर कि आपको सोशल नीड्स पूरी हो, आपको सोसाइटी में लोग जाने पहचाने। फिर आपकी एस्टीम एंड ईगो नीड्स होती हैं, एस्टीम एंड ईगो नीड्स मतलब जो आपका पैशन होता है उससे रिलेटेड वाली नीड्स, ठीक है। और फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यहाँ आके आपको पता लगता है कि आपको सच में करना क्या है, वॉट यू शुड डू योर लाइफ। या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है कि ये काम मेरे को करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि एकदम प्राइमरी नीड्स होती हैं। देख लीजिए मैंने आपको बताया कपड़ा, रोटी, मकान। सेफ्टी नीड्स होती है जॉब सिक्योरिटी होना, आपकी वर्क प्लेस की आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आप फ्री हैं, फ्री फ्रॉम थ्रेड्स, जैसे कि मैंने LIC बताया आपको कि आपकी लाइफ सिक्योरिटी है। फिर है सोशल नीड्स की, जैसे आप जो फ्रेंडशिप है, आपके अफिलिएशन हो गए, मेंबर्स हो गए, आप किसी क्लब के या किसी इंस्टीट्यूशन में आप अच्छे जगह कर रहे हो काम, कोई आपको रिकॉग्नाइज्ड, आप ऐसे वर्कर हो जहाँ पे आपको सब जने जानते हैं आपके वर्क प्लेस पे, तो सोशल नीड मतलब सोसाइटी आपको कितना जानती है। ईगो नीड्स होती है सेल्फ इमेज कि आप खुद को कहाँ देखते हो। मैं देखती हूँ कि मैं प्रिंसिपल हूँ किसी को बढ़िया से कॉलेज की गवर्नमेंट, तो मैं आज से वहाँ खुद को देख रही हूँ, तो ये मेरी है ईगो नीड्स, मेरी एस्टीम नीड, मैं जो चाहती हूँ, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है जो मैंने सच में हासिल करा है कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी से मैं कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, मैंने अपना फुल पोटेंशियल लगा दिया, अब मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो वो होता है पूरा मेरी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई है, मैंने कितना अपने लाइफ में एडवांसमेंट देखा है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो ये पांच तरीके हमने छह तरीके देख लिए। अब मैस्लो हायरार्की थ्योरी स्टिमुलेटेड थिंकिंग अबाउट द वेरियस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें ये आगे क्या बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ स्टडी करना, और यहाँ पे अमेरिकन फिलोसोफर्स ने भी काफ़ी बताया है ह्यूमन नीड्स के बारे में। और मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी जो कि सबसे अच्छी थी, जहाँ पे उसने पूरे लोअर लेवल से और हायर लेवल तक की बात बताई है, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ भाई, बिल्कुल हुआ इसका, क्योंकि क्रिटिसिज्म में क्या देखा कि क्या फाइंड हुआ कि फाइंडिंग्स डू नॉट हैव रिसर्च सपोर्ट एंड मेनली बेस्ड ऑन द इनफॉर्मल इंटरव्यूज, जो हमने देखा कि ये सब इनफॉर्मल और पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये हायरार्की बना रखी है, कोई इसके पीछे प्रूफ नहीं है। और ये जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, ऐसा नहीं कि मैं आज से 5 साल बाद भी यही चाहूंगी कि मैं प्रिंसिपल हूँ, और मान लो मैंने 1 साल बाद अपनी जॉब स्विच करके मैं किसी कंपनी में चली गई तो मैं थोड़ी चाहूंगी कि मैं प्रिंसिपल हूँ। तो नीड्स एंड वॉन्ट्स तो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, हमेशा के लिए सेम नहीं होती है। फिर इसने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर। अगर हमने कोई अपनी नीड सेटिस्फाई कर दी तो कोई हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर हम ये देखते हैं कि आज से कुछ सालों बाद मैं खुद को किस पोजीशन पर देखना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंटली आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सेटिस्फाई कर सके अपनी नीड्स को। ह्यूमन नीड्स डू नॉट कन्फर्म टू अ हायरार्की एज सजेस्टेड बाय द मैस्लो। मैस्लो की जैसे नहीं चलते हम बिल्कुल भी, क्योंकि वो अमेरिकन फिलोसोफर था और उसने विदाउट एनी प्रूफ सिर्फ इंटरव्यूज एंड पर्सनल उसकी बेसिस पे ये पूरी बना रखी थी। तो इट इज़ क्रिएटेड कन्फ्यूजन बिटवीन द वैल्यूज एंड नीड्स, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ वैल्यूज एंड नीड्स के बीच में, कई चीज़ों को उसने नहीं लिया, कई लोगों ने उसको
कई साइकोलॉजिस्ट ने उसको रिव्यू करा और ये बताया कि नहीं, कोई ऐसा परफेक्ट करस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई भी ऐसा जो मैस्लो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, फिर मैस्लो डिड नॉट फुली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसने पूरा ढंग से नहीं समझाया। इट इज़ एट बेस्ट एन इल डिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन सीम्स टू बी मोर मिथ देन द रियलिटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन जो है, अगर आप उसकी बातें सुनोगे तो वो काफ़ी अलग होगी जो रियलिटी में कर रहा है उससे। तो मैं आज जो बोल रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ, उससे मेरी रियलिटी काफ़ी अलग है, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ वो मैं फ्यूचर को देख के सोच रही हूँ, वो अनसर्टेन है और आपकी नीड्स भी अनसर्टेन है। और फिर आगे बोल रहा है कि इंसान हमेशा अपनी लोअर लेवल नीड्स पूरी करना चाहता है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार गरीब घर के बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे विलेज के, वो लोग भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक चल जाते हैं। तो उन्होंने पहले ही अपनी एस्टीम नीड्स को पूरा कर लिया, उसने सेफ्टी नीड्स छोड़ दी बीच में, सोशल नीड्स छोड़ दी, उनको नहीं चाहिए सोसाइटी में, नहीं चाहिए उनको सोशल, उनको नहीं रिकॉग्नाइज होना पूरे समाज में, वो सीधे एस्टीम नीड पर जाते हैं अपनी। तो ये हायरार्की कई लोग तो फॉलो ही नहीं करते हैं। तो फिर यही बोला इसने यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल नीड्स को छोड़ देते हैं। टू फैक्टर थ्योरी, हर्ज़बर्ग, अब आया हर्ज़बर्ग की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये था मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी। दो फैक्टर होते हैं, एक तो मोटिवेशन और एक हाइजीन होता है। तो सबसे पहले उसने हर्ज़बर्ग, ये बताया गया था हर्ज़बर्ग ने, हर्ज़बर्ग इज ऑल्सो नोन एज द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। हर्ज़बर्ग ने 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स के साथ मिलकर ये थ्योरी बनाई थी। उसमें उसने अलग अलग मोटिवेशन की सिचुएशन को एक्सप्लेन करा है। दो मेजर कंक्लूजन निकाले उसने। पहला, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्सट्रिंसिक जॉब कंडीशन सेट व्हेन नॉट प्रेजेंट रिजल्ट इन डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज, इवन इफ कंडीशंस आर प्रेजेंट दे डू नॉट नेसेसरली मोटिवेट एम्प्लॉयज, दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज डिससेटिस्फाइज एंड हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी हो गया, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस हो गया आपका, कंपनी पॉलिसीज हो गई, क्वालिटी हो गई। तो ये सब चीज़ें, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपके लिए ये नॉर्मल आती है कि ये सब तो होनी ही चाहिए, आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए इन सब के लिए। क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स एंड फ्रेंड्स बेनिफिट्स, तो ये सब चीज़ों में आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अगर आपको अचीव करना है, अगर आपने कोई मोटिवेशन रख दिया तो आप चाहेंगे कि आप उस चीज़ को अचीव करें, आप रिकॉग्नाइज हों, आप ढंग से काम करें, आप रेस्पॉन्सिबल हो, आप एडवांस हो और आपकी पर्सनल ग्रोथ हो। तो ये मोटिवेशन में होता है इफ प्रेजेंट इज़ गुड और प्रेजेंट इज़ नॉट गुड। अगर वहाँ ऊपर वाले में मोटिवेशन इज़ प्रेजेंट तो भी ठीक है, नहीं है प्रेजेंट तो भी ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें तो मिलेगी, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होना मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप इन सब चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट इज़ योर हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में आप क्या देखेंगे कि टू अवॉइड द पेन इन द एनवायरनमेंट, हम हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, हम जॉब का पार्ट रखेंगे हाइजीन, उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन देंगे। तो हाइजीन शुड बी प्रेजेंट, चाहे आप सैलरी कितनी भी दो, चाहे कुछ भी दो, अगर हाइजीन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे सामने वाले। मोटिवेटर्स आर कंसर्न विद द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड आर रिलेटेड टू द जॉब कंटेंट एंड मेक people satisfied with their job. Motivators are essential to keep their job satisfaction and job performance level high. तो motivators को अपना job performance high रखना पड़ता है, क्योंकि अगर खुद ही नहीं रखेंगे वो job performance, अपना level high नहीं रखेंगे तो सामने वाला भी नहीं motivate होगा। Herzberg versus Maslow. अब Herzberg ने भी टू फैक्टर थ्योरी दी और Maslow ने भी नीड हायरार्की की थ्योरी दी, वो भी टू फैक्टर थ्योरी थी। तो अब उन दोनों में कंपेरिजन हो गया भाई। तो Herzberg ने रिड्यूस किया Maslow का 5 लेवल ऑफ नीड्स इनटू द 2 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ एनालिस्ट। तो अब इसकी जो 5 लेवल थी उसको रिड्यूस करके Herzberg ने 3 में ले आया। उसने क्या करा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सोशल नीड्स को उसने लोअर में रखा कि ये तीनों को एक साथ रखो, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सोशल नीड्स। इंसान पहले इन तीनों के बीच में उलझा हुआ रहता है एंड देन वो अपना हाइजीन फैक्टर डू नॉट मोटिवेट इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर। हाइजीन फैक्टर अगर प्रेजेंट होता है तो भी ठीक है और नहीं प्रेजेंट होता तो भी ठीक है, लेकिन मोटिवेशन के लिए नहीं चाहिए हाइजीन। हाइजीन फैक्टर कंफर्टनेस के लिए होता है। हाइजीन अगर प्रेजेंट है, अगर आपको अच्छी चेयर दे रखी है तो, लेकिन मैं से ही थोड़ी मोटिवेट हो जाऊंगी कि नहीं नहीं मेरे को काम बहुत अच्छा करना है। तो
हाइजीन फैक्टर तो होना ही चाहिए, उससे बेटर परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। फिर हर्ज़बर्ग आर इक्विवेलेंट टू द मैस्लो हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स दोनों ने सेम ही बताई हैं। हर्ज़बर्ग ओनली सच फैक्टर्स ऑफ चैलेंजिंग जॉब रिकॉग्निशन एंड टू द गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। वही इंसान रिकॉग्निशन होना चाहता है, जो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहता है, तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग का एवेल्यूशन देखते हैं। लास्ट में उसने क्या एवेल्यूएट करा है कि हर्ज़बर्ग मेक एन वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेटिस्फेक्शन। उसकी थ्योरी जो थी वो सब ने वेलकम करी, सब ने उसको एक ट्रू मोटिवेटर के नाम से पहचाना। और हर्ज़बर्ग ने क्या बोला कि मनी जो होता है वो ट्रू मोटिवेटर नहीं होता, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से भी सामने वाले इंसान को हम मोटिवेट कर सकते हैं। इसके आगे ये बोल रहा है कि रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे पास होती है तो हम इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म। हर्ज़बर्ग थ्योरी हैज हाउएवर बीन क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड। कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज हुई है हर्ज़बर्ग की थ्योरी? पहली जगह कि उसके ऊपर क्वेश्चन लगा दिया गया है कि अकाउंट्स एंड इंजीनियर मे बी कंसिडरेबली फ्रॉम दोज ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आपने अकाउंट्स और इंजीनियर्स को ले लिया लेकिन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को तो आपने देखा ही नहीं। फिर लिटिल अटेंशन टू पेड टू द टूवर्ड्स द टेस्टिंग द मोटिवेशन परफॉर्मेंस। आपने मोटिवेशन परफॉर्मेंस को टेस्ट करो कि एक्चुअल में मोटिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने टेस्ट करा ही नहीं है। इट फेल्स टू अकाउंट द डिफरेंसेज इन द इंडिविजुअल। अब इसने इंडिविजुअल में डिफरेंसेस करने का ऑप्शन ही नहीं बताया कि हर एक जना अलग अलग होता है। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड होती है हर एक जने के ऊपर कि वो कितना अचीव कर सकता है, वो कितना चैलेंजिंग है, वो कितना एडवांस्ड है। तो द वन हु आर नॉट मोटिवेटेड बाय द मनी एंड द जॉब सिक्योरिटी मे डिफर। कई लोग तो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं और कई लोग पैसा चाहते हैं, तो सब लोगों की नीड्स अलग अलग होती हैं, सबके ऊपर एक ही चीज़ अप्लाई नहीं होती। हर्ज़बर्ग ने तो बोल दिया कि नहीं, मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोटिवेशन ज़रूरी होता है। फिर ही इन्वाइटेड अटेंशन टू द मैनेजर टू नीड द जॉब कंटेंट फैक्टर्स इन वर्क मोटिवेशन विच हैड नॉट रिसीव्ड अटेंशन ऑफ अर्लियर थ्योरीज। अब यहाँ पर उसने बोला कि मैनेजर्स के ऊपर उसने मैनेजर्स नीड टू, यहाँ पे वर्क मोटिवेशन की बात नहीं करी गई, इंसान के कौन से मोटिवेशन की बात करी गई है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जाए, लेकिन वर्क मोटिवेशन कैसे हो वो अभी तक किसी भी ऑथर ने नहीं बताया है। तो ये दो जनों ने मोटिवेशन थ्योरीज निकाली थी, दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल बताया कि किसने कौन से निकाली और दोनों का कंपेरिजन भी यहाँ पर बता दिया गया है। थैंक यू सो मच।